फ्रेंड्स नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन और माता पिता को चरण स्पर्श। मैं रूबी आप सभी का स्वागत करती आपके अपने चैनल पे आरोही पटेल फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज है तारीख 14 फरवरी, दिन है मंगलवार। और ना यहाँ पे ना बकरी का जो बच्चे लोग है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही सुबह सुबह रो रहे थे। तो फिर जितने भी सारे हमारे घर में बकरियाँ हैं ना, सारे को निकाल के और फिर अपने अपने जगह पे ना उन लोग को बांध दी हूँ। और यहाँ पे फिर मैं लग गई चूल्हा चौका साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे ना कोयला, हम जिस टाइम आग मेरा खाना बन जाता है उस टाइम हम बुझा देते हैं, तो वही मेरा कोयला था, तो उसी को ना भर के रख दी हूँ साइड में। क्योंकि जिस टाइम हम लोग को ज़्यादा ठंडी लगने लगती है ना, तो फिर छोटा सा बर्तन में या तो फिर कुछ गमले वगैरह में उसको रख के और फिर जला लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आग बन जाते हैं। तो फिर उसी से हम लोग ठंडी को दूर भगाते हैं। और ये जो राख है ना, तो उसको ना डब्बा में करके अभी रख दिए हैं। प्याज वगैरह बारी में सासू माँ उधर जाएगी तो उस टाइम डाल देगी, या तो फिर कहीं भी खेत में डाल देगी। और फिर देखिए मैं यहाँ पे अभी ना बकरी का बच्चा लोग देखिए कैसे उछल रहे हैं। और ये जो व्हाइट वाला जो आप बकरी का बच्चा देख रहे हैं ना, वो सब ना जिसमें हम लोग धान उबालते हैं ना, तो वही वाला चूल्हे के अंदर में ना घुस जाते हैं। और उसमें तो बहुत ज़्यादा ही कालापन है, तो उसी से ना सारे दोनों बच्चे देखिए काले हो गए हैं। और फिर यहाँ पे ना अभी हम साफ कर देते हैं ताकि बच्चे लोग अच्छे से यहाँ खेल पाएंगे। और फिर इधर है ना हम गोबर लेके आ जाते हैं, गाय के गोबर। और ना फ्रेंड आप लोग सोचते होंगे कि मैं ईंट के चूल्हे पे ही क्यों खाना बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बस ऐसा ही मैं ईंट का चूल्हा पे खाना बनाती हूँ। क्योंकि हम लोग का मिट्टी का किचन अभी बना नहीं है, बनाने वाले हैं लेकिन अभी बना नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए ना यहीं पे ही बना लेते हैं। और जब मेरा बन जाएगा ना मिट्टी का रसोई, तो फिर वहाँ पे हम लोग चल जाएंगे। और वहाँ पे ना बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे बार बार हमको सारा सामान लाना पड़ता है, फिर घुसाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बकरी के बच्चे लोग भी रहते हैं ना, तो डर भी लगा हुआ रहता है आग में जाने का। जब मैं खाना बनाती हूँ ना, फिर तुरंत आग को बुझा भी देती हूँ, इसलिए ना मेरा कोयला बन जाते हैं। और ये देखिए पहले ही हमने आटा गूंथ के रखे थे। और ये तो मेरा रोज का ही रोटी बनाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आरोही भी खाती है और पापा है ना, तो वो भी खा के और फिर अपने काम पर चले जाते हैं। तो अभी रोटी सब्जी मेरा बन गया है और अभी खाना बैठा के बस मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे ना हमारी गाय रात को रहती है, तो वही गोबर है एक दो, तो उसी को अभी साइड कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बकरियाँ यहाँ पे ही बांध के रख देते हैं। और ना फ्रेंड सुबह के टाइम ना मुझे एक जरा सा भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए ना मैं एडिट भी नहीं कर पाती हूँ और ना ही ब्लॉग सुबह में डाल पाती हूँ। इसलिए मेरा जितना भी ब्लॉग है ना, सब दोपहर के बाद ही आ पाता है, क्योंकि अभी ना इतना ज़्यादा काम है ना घर का, सारे काम ना एकदम बिजली की रफ्तार से काम करना पड़ता है। और ना ये जो धान है ना, ये धान को अगर हम जल्दी नहीं यहाँ पे ना एक जगह इकट्ठा करके नहीं ढकते हैं ना, तो ये फिर ना मेरा टूट जाएगा सारा धान। और ये कल ही इसको ना उबाले थे, तो इसलिए ना इसको 3 दिन तक इसी तरह से ना हमको ढक के रखना पड़ेगा और 3 रात को फिर फैलाना पड़ता है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाते हैं। और ना ये छत में ना हमारी सीढ़ी नहीं है, और ये जो आप धान देखते हैं ना, और ये जितने भी ऐंटे सब चढ़े हैं ना, सब रस्सी से चढ़े हुए, एक कोई ऊपर में रहते हैं और एक कोई नीचे रहते हैं, तो वही ऊपर में खींचते हैं तब जाके हमारे इतने सारे धान चढ़ते हैं। और ये धान ना बाल्टी से पापा या तो फिर मम्मी नीचे रहती या तो फिर ऊपर, तो इसको खींच के और पानी जैसे हम लोग कुआं में भरते हैं ना, तो उस तरह से करते हैं। इतने ज़्यादा परेशानी होती है इस छत में चढ़ाने के लिए धान, और यहाँ पे ना उतरने चढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि मेरा पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी मैं इतना सारा काम करती हूँ और ब्लॉग भी बनाती हूँ, एडिट भी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो देखिए मैं छत से उतरते ही यहाँ पे ना ये सब्जी बनाई हूँ। ये सब्जी में ना जो चावल का पानी निकलता है ना, मार जिसे हम लोग गांव देहात में बोलते हैं, तो उसी को डाल दिए हैं और छौंका लगा के, और आलू पहले से ही ना बॉयल करके रखा हुआ था, तो बस उसी को डाल दिए हैं। ये खाने में ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, और ऐसा वाला साग ना खाने में ना सासू माँ को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ना देखिए घर वगैरह भी हम यहाँ पे सब आंगन वगैरह धो के साफ सफाई कर लिए हैं, क्योंकि आज है
मंगलवार, और मंगलवार के दिन में ना हम यहाँ पे हमारे तुलसी बीड़ा माना जाता है जो कि ये पहले जमाना का घर है, तो वहाँ पे हम पहले धूप वगैरह दे लेते हैं और बजरंगबली में भी दे के, और यहाँ पे हमारे घर में तुलसी का पौधा लगाए हैं तो वहाँ पे भी हम पूजा कर लेते हैं हर मंगलवार को ना। काहे नहीं, मेरा 12 या 1 बज जाता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ना ज़रूर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। और इतने सारे काम अकेले ही करना पड़ता है, आप लोगों को तो पता ही, पापा मम्मी चले जाते हैं। और ये देखिए पक्का अभी सर 12 बज चुके हैं और अभी देखिए 12 बज गया, अभी तक ले हम कुछ भी नहीं खाए हुए हैं। सारा घर का काम करते करते मेरा हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी हम खाना में मेरा बना हुआ है धनिया का चटनी, रात का चोखा बचा हुआ था तो उसी को मैं लेके आई हूँ। और ये अभी साग आलू डाल के जो बनाया ना मार देके, तो वही वाला खाना अभी लेके मैं खा के अभी बैठी हुई थी। और खाने के बाद ना फ्रेंड हाथ मैं सिर्फ पोंछती हूँ, उसके बाद ना फिर जितने भी नहाए थे ना सारा कपड़ा, आरवी को भी नहला दिए थे, सारा कपड़ा धोएं फिर कुआं में जाके धोएं, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो सप्लाई पानी आते हैं ना तो वो अभी 3 दिनों से पानी नहीं आ पा रही है, तो फिर हम कुआं में जाके वहाँ पे ना मोटर चल रहे थे तो उसी से जाके कपड़ा वगैरह धो के फिर आए, सारा कपड़ा छत पे फैलाए। एक जरा सा भी दिन भर में टाइम नहीं मिलता है। और ना आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो में बहुत ज़्यादा ही कम वीडियो दिखाती हूँ, लेकिन मेरा दिन भर दिन यही सब काम करने में बीत जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगता है। और यहाँ पे देखिए अभी मैं ना ये शाम 3 बजे का है, मैं सारे घरों में ना झाड़ू वगैरह लगा के और यहाँ पे ना अभी धान यहाँ पे भर रही हूँ, फिर शाम में इसको ना कल उबालेंगे, तो इसको एक दिन पहले ही भरना पड़ता है। जितना भी पानी अभी हम डाल रहे हैं ना फ्रेंड, तो इसको ना सारा पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ला के, और जो काला वाला टब है ना तो उसमें रखे थे पानी, तो उसी को अभी हम ना यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और आप लोग को तो मेरी परिस्थिति पहले से ही पता है कि मुझे कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, और यहाँ पे आरवी के पापा भी नहीं है जो मेरा हेल्प करेंगे। तो देखिए उसी तरह से धीरे धीरे करके ना मैं सारे में पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस 2 बार ही होने इतना डालती हूँ। और मैं ना फ्रेंड छत के ऊपर गई थी ना धान फैलाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सूरज ना ढल रहे थे और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है। तो मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माई यूट्यूब फैमिली।